नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रित शुक्ला। आज हम बात करेंगे कि आज आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर डे है, आज आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर कराना है, तो आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखोगे? दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना, एम्ब्रियो ट्रांसफर वाले दिन के पहले, यानी आप जब तक अपने IVF कंसल्टेंट के पास विजिट कर रहे हो, आपकी एक मॉक ईटी जरूर हो चुकी होगी। मॉक ईटी का मतलब होता है कि जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हमको आज की तारीख में करना है, ये सेम रिहर्सल हम लोग शुरू में ही कर चुके हों, ताकि अगर आपकी वजाइना से लेकर सर्विक्स से लेकर यूट्रस तक जाने के रास्ते में अगर कहीं कोई रुकावट है, सर्वाइकल स्टेनोसिस है या यूट्रस एंटीवर्टेड है, रिट्रोवर्टेड है, या हमको किस प्रकार से जाना होगा, वो डायरेक्शन पता लग जाए। क्योंकि जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हों तब हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो मॉक ईटी मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का रिहर्सल रियल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पहले ज़रूरी होता है। और क्या क्या चीज़ हमको ध्यान रखनी है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दिन के टाइम पे? अब जैसे 95% एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में हमको एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट कॉन्शियस होता है, जिस प्रकार से उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करता है, और उसके अल्ट्रासाउंड के समय में आपको उसकी जो पेशेंट होता है उसको हम लोग एंडोमेट्रियल कैविटी दिखाते हैं। तो एक ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड हो गया, और इसमें हम लोग हेल्प लेते हैं ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की। तो मैं जो रूटीन होता है पहले उसके बारे में बता रहा हूँ। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में जाने के पहले आपको अपना ब्लैडर फुल करना होता है। इसका क्या मतलब हुआ ब्लैडर फुल करना होता है? मतलब आपको पानी खूब पीना है, पानी खूब पीना है, ताकि आपको पेशाब आने का सेंसेशन हो, आपको ये लगे कि पेशाब आने वाली है। क्यों? क्योंकि ये क्यों करते हैं, जब ब्लैडर फुल होता है, ये आपकी यूट्रस है, ये ब्लैडर है, तो जब ये ब्लैडर फुल होता है तो ये ब्लैडर फुल होकर के यूट्रस को सीधा करने का प्रयास करता है, ताकि आसानी से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसेस किया जा सके। तो ब्लैडर फुल होने से यूट्रस थोड़ा सीधा हो जाता है और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के प्रोसेस में हमको हेल्प मिलती है। बाकी आप खाना खा के आ सकते हो, खाने के लिए कोई मनाही नहीं होती है। सजेस्ट करते हैं कि घर का खाना खाओ, ये नहीं कि पिज़्ज़ा बर्गर फिर से जंक फूड टाइप चीज़ें खा के आ जाओ, या खूब स्पाइसी तो आपको खुद ही एसिडिटी हो जाए या मोशन लग जाए, तो ये नहीं करना है। आपको घर से आप रोटी दाल चावल सब्जी खा के आ सकते हो, और जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होना हो उसके आधे घंटे पौन घंटे पहले आप पानी पीना शुरू करो, ताकि ब्लैडर में प्रेशर रहे और आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर को होते हुए देख सकते हो। एब्डोमेन आपके पेट के ऊपर अल्ट्रासाउंड प्रोब रखा जाएगा, और नीचे वजाइना के थ्रू एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आपका IVF कंसल्टेंट कर देगा। यही हो गया नॉर्मल तरीके से। अच्छा, कुछ लोगों में ये देखा गया है कि ये जो रास्ता जब हम ईटी का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का रिहर्सल करते हैं, तो वजाइना सर्विक्स और यूट्रस तक के रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, या ज़्यादा घुमावदार होता है, या कहीं कोई स्टेनोसिस वगैरह है, तो ऐसे केसेस को हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एनेस्थीसिया के अंडर करते हैं। मतलब इन केसेस में हमको एनेस्थीसिया देना पड़ता है। अगर आपको एनेस्थीसिया दिया जाना है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए, तो एनेस्थीसिया वाले सारे प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्या, जैसे मान लीजिए आपका सुबह 10 बजे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्लान है, तो आप 12 घंटे पहले से कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, आपको पूरी स्ट्रिक्ट रूप से खाली पेट रहना है। अगर आप थायराइड खाते हैं, आपकी प्रॉब्लम है, थायराइड की गोली खाते हैं, तो एक घूंट पानी से सवेरे 5 बजे या 6 बजे उठ के आप थायराइड की गोली खा सकते हैं, एक घूंट पानी से। ज़्यादा अगर आपने पानी पिया या कुछ खाया, तो आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकेगा। अगर एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकेगा और आप होश में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ज़बरदस्ती डिफ़िकल्ट मॉर्फिटी वाले पेशेंट अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराते हैं, तो उसमें आपको बहुत दर्द, ब्लीडिंग सब कुछ हो सकता है। इसीलिए जब हम एनेस्थीसिया के अंडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते समय हमको डायलेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब नीचे के रास्ते को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए इंस्ट्रूमेंट डायलेटर यूज़ करते हैं, ताकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर प्रॉपर तरीके से यूट्रस के फंडस के ठीक नीचे जा कर के हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकें। अगर एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो आपको रात से खाली पेट रहना है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर के बाद बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं कि एडमिट कर दो 2 दिन के लिए, बिल्कुल हिलना मना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब
एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद अगर आपका नॉर्मल तरीके से हुआ है, कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया है, तो आप आधा घंटा या 45 मिनट तक रेस्ट करो। उसके बाद नॉर्मली अपना जो काम घर में करते थे नॉर्मल वाला, वो सारा आप कंटिन्यू कर सकते हो। बिकॉज ये अभी लेटेस्ट मैंने एक स्टडी पढ़ी है WHO की, जिसमें वो कहते हैं कि पोस्ट ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में उसके बाद रेस्ट करने से इम्प्लांटेशन रेट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती। इनफैक्ट वो उल्टा कहते हैं कि अगर आप जितना जल्दी चलने फिरने लगते हो, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने की संभावना में कुछ परसेंट इंक्रीमेंट होता है, 5-10% इंक्रीमेंट होता है। तो अगर ऐसा है तो अपने दिमाग से डाउट हटा दो कि नहीं मैं तो एकदम स्ट्रेट सीधी लेटूंगी, मैं करवट लेफ्ट साइड पे ही लूँगी। कई लोग बहुत सारी बातें करते हैं, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। क्या नहीं करना है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको काफ़ी हैवी वेट वाली एक्सरसाइज, खूब तेज़ी से उस सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, हैवी वेट उठाना, ज़मीन में पलथी मार कर बैठना या उठ जाना, बहुत देर तक अगर लेटरिन नहीं आए, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो बाथरूम में ही बैठे रहना, स्पेशली इंडियन स्टाइल में, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना जिससे कपड़े नहीं छोड़ना हो गया या आटा गूंदना हो गया, जिसमें आपके लोअर एब्डोमेन पे जोर पड़ रहा हो। तो इन सब चीज़ों को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो वो आपके फ़ायदेमंद होगा। क्या करना चाहिए? कितना लिक्विड हो सके पियो आप। लिक्विड का मतलब वो पानी भी हो सकता है, वो जूस भी हो सकता है, वो नारियल पानी भी हो सकता है, वो सूप भी हो सकता है, किसी भी तरीके से। और प्रोटीन युक्त खाना खाइए, जैसे छेना हो गया और पनीर हो गया अगर आप वेजिटेरियन हैं। नॉन वेजिटेरियन मैं अपने यहाँ अलाउ, मतलब मैं एडवाइस भी नहीं करता हूँ और अलाउ भी नहीं करता हूँ। तो बेटर है, बिकॉज जितना प्रोटीन आपको वेज से मिल जाएगा तो नॉन वेज की उतनी खास ज़रूरत नहीं रहती। और इसके बाद में अगर हम लोगों ने ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र किया है तो आपको 10 या 11 दिन के लिए कुछ मेडिसिन दी गई होंगी, जिसमें प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन जेल या लगाने के लिए, नीचे से डालने के लिए आपको दिया जाता है, कुछ ब्लड को थिन करने के लिए इंजेक्शन भी दिया जाता है। जैसा आपका IVF कंसल्टेंट कहता है, प्लीज़ आप उसको वैसे ही फॉलो करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और कुछ जानना हो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से रिलेटेड, कि पहले क्या करें बाद में क्या करें, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 8417080446 पर। धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर IVF प्रोसीजर।